सभी को हमारे तरफ से शुभकामनाएं। आप लोग जो 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाने को लेकर के जो हम लोग पूर्ण रूप से तैयारी करके 13 तारीख से 15 तारीख तक जो हम लोग को मनाने का भी 15 अगस्त तक मनाएंगे और इस स्वतंत्रता दिवस को बहुत महत्वपूर्ण है हम लोग के लिए और राष्ट्रीय पर्व है। पूरे देश में इसको जोश खरोश के साथ मनाया जा रहा है। अभी इस आज़ादी के लिए हमारे नौजवानों स्वतंत्रता सेनानियों ने कुर्बानी दी है, तबे हम लोग आज जोश खरोश के साथ इस आज़ादी को मना रहे हैं। और हम लोग को शहीदों से प्रेरणा लेना है कि कभी भी अपने अधिकार के लिए कहीं भी रहें, किसी भी जगह पर रहें, हम तमाम नौजवान उसे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ें और हम सबको यही शुभकामना देंगे किसी जोश खरोश के साथ आज से लेकर के 15 अगस्त तक हम लोग मनाते रहेंगे। भारत माता के, खुदीराम बोस की, चंद्रशेखर आजाद के, भगत सिंह के, सरदार वल्लभ भाई पटेल की, महात्मा गांधी की। 75वां स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पे आज माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री मोदी जी के द्वारा ये अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है और जो इसमें हर घर को, हर घर पे झंडा, हर नौजवानों के हाथ में झंडा के रूप में लगाया जाना है। और इसको हम लोग जो स्वतंत्रता दिवस को एक आज़ादी का जो अमृत महोत्सव मना रहे हैं, जो पूरे जोश के साथ हमारा नौजवान पीपरा प्रखंड के नौजवान साथियों और आज हम लोग दमुआ चौक से लेकर दुबटिया मोड़ तक तिरंगे यात्रा निकाले और इसी के साथ में तमाम पीपरा प्रखंड वासियों को मैं इस यात्रा और इस स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर बहुत 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 बधाई और हमारे तरफ से बहुत शुभकामनाएं और इसी के साथ अपना वाणी को विराम देते हैं। आज हम लोग अमृत महोत्सव के अवसर पर तिरंगा झंडा के साथ एक विशाल जन समूह के साथ हम लोग एक रैली निकाले हैं। इसमें सभी भाइयों को हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन और आने वाले 75वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर सभी को मैं हार्दिक बधाई देना चाहता हूं और आगे सभी की मंगलमय कामना करता हूं। सभी लोग खुश रहें, आबाद रहें। धन्यवाद।